हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पॉइंटर टू पॉइंटर का डेमोंस्ट्रेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल वेरिएबल ले लेते हैं, लेट अस से इंटीजर ए, और एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, लेट अस से स्टार पी। उसके बाद हम सीएलआर एससीआर लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट सीएच लिख देते हैं। अभी जो नॉर्मल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू हमें यूजर के पास से लेनी हो तो हमें स्कैनएफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनएफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे % d एड्रेस ऑफ ए। स्कैनएफ के ऊपर हम एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर ए। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ उसकी तीन प्रॉपर्टी जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले वेरिएबल का नेम, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू, और उसके बाद वेरिएबल का एड्रेस। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है उसका नेम ए है, लेट अस से उसकी वैल्यू हम 5 एज्यूम कर रहे हैं, और वेरिएबल का एड्रेस सी खुद डिसाइड करता है, यानी कि उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। तो लेट अस से हम उसका एड्रेस एक्स वाई जेड एज्यूम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल है जो वेरिएबल का नेम है पी, और वो पी पॉइंटर वेरिएबल है। अभी पॉइंटर वेरिएबल की डेफिनेशन के अनुसार पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दूसरा वेरिएबल जो है वो ए है। अगर हमारा पॉइंटर वेरिएबल वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है तो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू के तौर पे एक्स वाई जेड होगा, और लेट अस से इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस ए बी सी है। अभी यहाँ पे हमने पॉइंटर वेरिएबल पी के अंदर नॉर्मल वेरिएबल ए का एड्रेस स्टोर किया, यानी कि उसके लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हमारा पॉइंटर वेरिएबल ए को पॉइंट करता होगा। अभी पॉइंटर टू पॉइंटर मींस हम एक ऐसा पॉइंटर डिजाइन करते हैं जो पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता हो, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल ऑलरेडी है और हम एक दूसरा पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, लेट अस से क्यू, और वो क्यू नाम का जो भी वेरिएबल है वो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है, यानी कि वो क्यू पी का एड्रेस अगर स्टोर करे तो हम ऐसा लिखे कि ए बी सी उसकी वैल्यू के तौर पे होगा, और लेट अस से क्यू का एड्रेस एम एन ओ है। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि क्यू इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी, और ऊपर हमें क्यू नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जब ए का एड्रेस पी के अंदर स्टोर होता है, यानी कि पी हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसके आगे हम एक स्टार का सिंबल लिखते हैं, वैसे ही पी का एड्रेस क्यू के अंदर स्टोर होता है तो हमें उसके आगे भी स्टार का सिंबल रखना पड़ेगा, लेकिन हम उसके आगे दो स्टार के सिंबल रखेंगे। इसका मीनिंग ऐसा है कि क्यू हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है और वो एक पॉइंटर का एड्रेस कंटेन करता है। अभी लेट अस से हम एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि ए इज इक्वल्स टू % d स्टार पी इज इक्वल्स टू % d एंड स्टार स्टार क्यू इज इक्वल्स टू % d, जहां पे फर्स्ट % d की वैल्यू हम ए से रिप्लेस कर रहे हैं, सेकेंड % d की वैल्यू हम स्टार पी से रिप्लेस कर रहे हैं, और थर्ड % d की वैल्यू हम स्टार स्टार क्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम समझे तो सबसे पहले हमने ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया जो कि 5 प्रिंट होके मिलेगा, उसके बाद हमने स्टार पी की वैल्यू प्रिंट करवाई। अभी स्टार पी यानी कि हमने यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज किया, और जब भी हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग कि हमारे पास जो भी वेरिएबल है वो एज एन एड्रेस के तौर पे ट्रीट होता है, यानी कि पी की जो भी वैल्यू है वो एड्रेस के तौर पे ट्रीट होगी। अभी पी की वैल्यू एक्स वाई जेड है और एक्स वाई जेड एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू हमें आउटपुट के तौर पे मिलनी चाहिए, और एक्स वाई जेड एड्रेस पे हम देखना चाहे तो हमारा ए स्टोर है, यानी कि स्टार पी भी हमें आउटपुट के तौर पे 5 ही देगा। उसके बाद हमने स्टार स्टार क्यू की वैल्यू प्रिंट करवाई है। अभी स्टार स्टार क्यू यानी कि यहाँ पे हमने दो बार इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज किया है। अभी सबसे पहले जो हमारा क्यू है वो एन एड्रेस के तौर पे ट्रीट होगा। अभी क्यू के अंदर एबीसी स्टोर है, यानी कि एबीसी लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार क्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड है, और उसके आगे फिर से हमने एक स्टार लिखा है, यानी कि स्टार एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, तो वो हमें अल्टीमेटली 5 ही देगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं पी है वो हमारा ए को पॉइंट कर रहा है,
और क्यू है वो हमारा पी को पॉइंट कर रहा है, यानी कि अल्टीमेटली हम क्यू की मदद से पी की वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं और ए की वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम वे हम पी की मदद से ए की वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू परसेंटेज यू एंड पी इज इक्वल्स टू परसेंटेज यू, और एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू और पी की वैल्यू हम प्रिंट करवा देते हैं। अभी एड्रेस ऑफ ए को हम ध्यान से देखें तो हमारे केस में एड्रेस ऑफ ए है एक्स वाई जेड और पी की वैल्यू भी एक्स वाई जेड है, यानी कि एड्रेस ऑफ ए और पी की वैल्यू हमें सेम मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर हम एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखे और उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखे कि एड्रेस ऑफ पी इज इक्वल्स टू परसेंटेज यू एंड क्यू इज इक्वल्स टू परसेंटेज यू, और फर्स्ट परसेंटेज यू की वैल्यू हम एड्रेस ऑफ पी से और सेकेंड परसेंटेज यू की वैल्यू हम क्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी एड्रेस ऑफ क्यू हमारा और कुछ नहीं लेकिन एबीसी है और क्यू की वैल्यू भी एबीसी है, और लास्ट में हम एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्यू का एड्रेस प्रिंट करवा देते हैं। लेट अस से एड्रेस ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू परसेंटेज यू और परसेंटेज यू की वैल्यू हम एड्रेस ऑफ क्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि ये हमें आउटपुट के तौर पे एमएनओ देगा। अभी लेट अस से हम ऐसा लिखते हैं कि स्टार स्टार क्यू इज इक्वल्स टू 10, यानी कि यहाँ पे हमने दो बार इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज किया, यानी कि सबसे पहले हम Q के वैल्यू को चेक करने जाएंगे और Q की वैल्यू ABC है, और जब हम स्टार Q लिखते हैं तो ABC लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू हमें मिलती है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये और कुछ नहीं लेकिन स्टार उसके बाद फिर एक स्टार और उसके बाद Q की वैल्यू यानी कि ABC है, और स्टार ABC यानी कि ABC लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो हमें XYZ देगा, और स्टार XYZ दैट मींस XYZ लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू यानी कि अल्टीमेटली A की वैल्यू हमें चेंज होके मिलेगी, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि A की वैल्यू अभी 10 हो जाएगी। और अगर हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से A की वैल्यू को प्रिंट करवाए यानी कि A इज इक्वल्स टू परसेंटेज, उसके बाद स्टार P इज इक्वल्स टू परसेंटेज D और उसके बाद स्टार स्टार Q इज इक्वल्स टू परसेंटेज D, और फिर फर्स्ट परसेंटेज डी की वैल्यू हम ए से, सेकंड परसेंटेज डी की वैल्यू हम स्टार पी से, और थर्ड परसेंटेज डी की वैल्यू हम स्टार स्टार क्यू से रिप्लेस करें, तो हमें आउटपुट के तौर पे अभी 10 10 और 10 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्यू की मदद से ए की वैल्यू को चेंज कर दिया। अभी एक और चीज हम ध्यान से देखें तो हमने ऊपर लिखा है कि पी है वो ए को पॉइंट करता है और क्यू है वो पी को पॉइंट करता है, यानी कि अल्टीमेटली हम क्यू की मदद से ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको हम चेन ऑफ पॉइंटर भी कह सकते हैं। तो अभी इसी चीज का हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है a इज इक्वल्स टू 5, स्टार p इज इक्वल्स टू 5 एंड स्टार स्टार q इज इक्वल्स टू 5, जो कि परफेक्टली सही है। उसके बाद एड्रेस ऑफ a की वैल्यू हमें 65524 और p की वैल्यू भी हमें 65524 मिल रही है, जो भी परफेक्टली सही है। उसके बाद एड्रेस ऑफ p की वैल्यू हमें 65522 और q की वैल्यू हमें 65522 मिल रही है, जो भी परफेक्टली सही है। और उसके बाद एड्रेस ऑफ क्यू हमें 65520 मिल रहा है, जो भी परफेक्टली सही है। और उसके बाद हमने पॉइंटर टू पॉइंटर की मदद से यानी कि क्यू वेरिएबल की मदद से वैल्यू को चेंज किया था और फिर वैल्यू को प्रिंट करवाया था, तो हमें आउटपुट के तौर पे ए इज इक्वल टू 10, स्टार पी इज इक्वल टू 10 और स्टार स्टार क्यू इज इक्वल टू 10 मिलता है, जो भी परफेक्टली सही है। यानी कि अभी हमने जो मैन्युअली ये पूरे कोड को समझा था वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम चेन ऑफ पॉइंटर्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो Q हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर सकता है। अभी सपोज हमें Q का एड्रेस भी स्टोर करवाना है तो हम एक और चीज लिखेंगे कि स्टार स्टार R, यानी कि ये जो R नाम का वेरिएबल है वो Q को पॉइंट करेगा, यानी कि यहाँ पे हम अगर देखना चाहे तो ये और कुछ नहीं लेकिन चेन ऑफ पॉइंटर के अंदर एक और वेरिएबल हमारा ऐड हो गया। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा कि R इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ Q और फिर हम R की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। लेट अस से स्टार 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 R इज इक्वल्स टू परसेंटेज D और परसेंटेज डी की वैल्यू हम स्टार 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 आर से रिप्लेस कर रहे हैं।
अभी इसको हम चेक करें तो स्टार 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 आर यानी कि आर नाम के वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू, और आर नाम के वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू यानी कि एड्रेस ऑफ क्यू है, और एड्रेस ऑफ क्यू और कुछ नहीं लेकिन MNO है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार 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 MNO. स्टार MNO का मीनिंग ऐसा होता है कि MNO लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू. अभी MNO लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू यानी कि ABC है, यानी कि यहाँ पे हमें स्टार ABC मिलेगा. उसके बाद स्टार ABC डेट मींस ABC हमारा एड्रेस के तौर पे ट्रीट होगा और ABC लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू हमें मिलेगी, यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं कि स्टार ABC हमारा और कुछ नहीं लेकिन XYZ है. और फिर स्टार XYZ यानी कि XYZ लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू, और XYZ लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू 5 है, यानी कि स्टार स्टार R हमें 5 प्रिंट करके ही देगा. तो अभी इसी चीज को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं. तो उसके लिए हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं A की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है A इज इक्वल टू 5 स्टार, P इज इक्वल टू 5 स्टार, स्टार Q इज इक्वल टू 5 एंड स्टार 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 R इज इक्वल टू 5, जो कि परफेक्टली सही है. और बाकी सारे प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हमने कोई भी चेंज नहीं किया तो वो हमें वैसा का वैसा आउटपुट दे रहा है, यानी कि हम n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लेके चेन ऑफ पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं. सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी. आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.